सब घंटे से, सब घंटे, ये ऊपर ये पूरा गेट बना जे भी घंटे से, ये यहाँ का सबसे बड़ा घंटा अभी तक हमने देखा इस मंदिर चीजू। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं कैची धाम से और अब जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी एक गोलू देवता मंदिर, तो वहाँ पर जाना है। क्या भैया? गोड़ाखाल जगह का नाम, एक गोड़ाखाल जगह बोली जाती है, वहीं पर गोलू देवता मंदिर है, वो भी बहुत फेमस और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। तो सीधे वहाँ के लिए निकल चुके हैं, बाकी व्यू आपको रास्ते के दिखा ही रहे हैं और दिखाते भी रहेंगे। इधर ये भाभी हैं, एक दूध पी रही है, गोलू पीछे शिफ्ट हो चुके हैं, ये चंदन भैया बैठे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गोलूदेव मंदिर और ये पूरा मंदिर का एंट्रेंस है यहाँ से, और मैं ही गोलू हूँ और ये गोलू साथ में भी हैं हम लोगों के, और गोलू देवता मंदिर में है भाई, इधर देखिए। और यहाँ के व्यू तो अभी एक नंबर है भाई, एक नंबर, अभी आपको सारे व्यू यहाँ के दिखाएंगे अच्छे से। चंदन भाई उधर नहीं जाना है भाई, मजा आ रहा देखो भाई ये व्यू देखिए, हम लोग कितनी ऊंचाई पे खड़े, अभी और थोड़ा आगे जब चलेंगे ना आगे पूरा नैनीताल दिख रहा है, पूरी झील एक दिख रही है, बाकी व्यू तो एक नंबर है भाई, एक नंबर। झील हो सकता है भीमताल वाला भी हो, भीमताल हो या क्यों, जाना तो वहाँ भी है अभी अपने को। तो चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर, पहले प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लेंगे उसके बाद चलते हैं। एक सीता को डर लगने लगा है। नहीं वो घंटा भी भाई बहुत बड़ा था ना, उसके मंदिर में सिर्फ आपको घंटे ही घंटे दिखेंगे। हाँ क्योंकि आज सबसे ज्यादा घंटे बांधे जाते हैं। हाँ। यहाँ पे खासियत ही यही है क्योंकि घंटे ही घंटे यहाँ पे बता रहे हैं, हजारों की मात्रा में घंटे ही लगे हुए हैं, जितना ऊपर चढ़ रहे हैं हर जगह पे घंटे घंटे लगे हुए हैं, ये सब देखिए आप घंटे ही घंटे। तो गाइस ये आ चुके हैं हम लोग गोलू देवता मंदिर पे बिल्कुल ऊपर, और ये सामने है भीमताल, ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये है भीमताल और यहाँ पर भी अभी हम लोग जाएंगे। हम लोग बहुत ज्यादा इस टाइम हाइट पर खड़े हुए हैं, हाइट तो खैर काफी ज्यादा, अभी और भी ऊपर ही चलना है, मंदिर ऊपर है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, चलो गोलू देवता ऊपर। गोलू तुम गोलू देवता के मंदिर में जा रहे हो तो जितने घंटे हो सब बजाते हो, चलो तुम ऐसा करेंगे तो 2 घंटे बाद पहुंच। तो गाइस ये है ऊपर मंदिर गोलू देवता का और ये हम लोग अब बिल्कुल टॉप पर हैं। अब आ गए टॉप पर, ये टॉप पर आ गया गोलू, आप व्यू देखिए कितना बढ़िया यहाँ का एकदम। गाइस ये आ गए हम लोग गोलू देवता मंदिर और यहाँ की जैसा कि खासियत हमने आपको नीचे बताई थी, यहाँ सिर्फ घंटे ही घंटे, ये आप घंटे सब लाइन से घंटे ही हैं, ये छोटे छोटे घंटियाँ भी लगी हैं, ये गेट भी जो बना हुआ है ये भी घंटियाँ ही हैं। सब घंटे से, सब घंटे, ये ऊपर ये पूरा गेट बना जे भी घंटे से, ये ऊपर घंटे, कोई अभी पता क्या है, कोई पूजा करवा रहा हूँ, कई सारे लोग मिल के ये अंदर घुस ही चली गई, देख रहे इनका मुझे कौन आया, जी एक्सिता को डर लग रहा है घंटों से। नहीं क्या हुआ एक्सिता, डर लग रहा है आपको, डर लग रहा है, ऐसे बजा दो ऐसे।
गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर और ये इतने नीचे होकर खड़े होना पड़ रहा है क्योंकि ये तो ये है कोई पेड़ है यहीं पहाड़ के ऊपर तो हम लोग पूरा अगर हाइट से खड़े हो ना ये ऊपर लग जाएगा मैं तो खड़ा हूँ तुम्हारी हाइट ही बहुत जो खड़े हो तो गाइस ये दूसरा मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा घंटा अभी तक हमने देखा है इस मंदिर में इसे हिलाना ही मुश्किल सबसे बड़ा है इसके नीचे एक ही और घंटा है इसको बजाने के ये नहीं हिलेगा भाई ये तो हिलेगा इसको बजाने के लिए गाइस हम लोग यहाँ पे मंदिर पूरा घूम चुके हैं और यहाँ पे मंदिर में कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब घंटियों के अलावा और कुछ यहाँ है ही नहीं सिर्फ घंटी 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 और बड़े घंटे घंटे और बाकी जो है गोलू देवता को तो दिखाई दिया अंदर तो इधर कुछ आकर देखो कुछ किसी की मन्नत पड़ रहे हैं नो चीटिंग मन्नत नहीं पड़ रहे थे ये देख रहे थे ना यहाँ पे क्या है ना ये जितने भी ये पीछे हैं ये सबकी अपनी अपनी मन्नतें लिखी हुई हैं यहाँ गोलू देवता के लिए लोग लिखते हैं कि सबकी मन्नतें पूरी हो जाएं ऐसा माना जाता है कि अगर हम यहाँ पे जो भी मन्नत मांगेंगे वो यहाँ पे पूरी हो जाती है तो इसलिए लोग जगह जगह पे पेपर पे लिख के सब लगा देते हैं हर तरफ लगाया हुआ है ये पीछे ये सब हर तरफ आप इधर देखेंगे इधर भी लगा हुआ है बाकी जो इधर ये पेपर है सबकी मन्नतें लिखी हुई हैं मतलब काफ़ी बढ़िया बना हुआ है यहाँ पे जैसा सुना था हजारों की मात्राओं में घंटे ही घंटे हैं घंटे छोटे छोटे कुछ आप भी एक चीज़ बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा घंटा कौन सा है ढूंढ के बताओ भाई घंटा वो आ गया था अभी दिखा चुके हैं आज सब्सक्राइबर्स को पहले ही तो खैर चलते हैं फिर छोटी घंटी ढूंढ के दिखाओ अच्छा सबसे छोटे नहीं ढूंढ पाओगे भाई इतने घंटे कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा सबसे छोटी घंटी ढूंढने में बहुत मुश्किल है तब भी नहीं ढूंढ पाओगे बाकी जो ऊपर सब पेड़ वेड़ हैं इतनी मस्त हवा आ रही है तो ये है गाइस मंदिर अंदर दर्शन वगैरह हो गए सब तो गाइस दर्शन हो गए अब चल रहे हैं नीचे यहाँ से गोलू भैया को बहुत ठंड लगी है इन्हें तो ठंड लगती रहती है इनकी तो खैर बात ही अलग है तो हम लोग अब शूज वगैरह पहनते हैं फिर नीचे चलते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अब होगा हम लोगों का असली माउंटेन व्यू असली खत्म नहीं हो पाया भाई पहले हम लोग ने दर्शन वगैरह कर लिए असली माउंटेन ड्यू करके आगे जीत है अब हम लोग का अच्छे से घूमेंगे और अच्छे से और भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे अभी तक तो हमने ये मंदिर एक्सप्लोर कर दिए तो चंदन भैया ये एक्सप्लोर कीजिए आप पहाड़ है सामने इसमें क्या एक्सप्लोर करें यार ये पहाड़ है मिट्टी और चूना पत्थर वगैरह के बने हुए हैं इसके ऊपर चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं बस इतना ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम यहाँ घूम रहे हैं बस और यहाँ पेड़ है बहुत सारे बाबू भर रहा हो देखो भैया की डांट पड़ती हुई जय अब आप व्यू देखिए अच्छे से एकदम इन्हें चंदन भैया के ज्यादा खेल हुआ भैया वो मिट्टी है उधर पैर जरा में स्लिप हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा यहाँ से कहाँ गए खुद तुम कह रहे थे हम उतर के दिखाएंगे हाँ हम तो कह रहे थे उतर के दिखाएंगे भाई उतर तो जाएंगे चले आओ छह यार उधर चलो भाई बैठते हैं टैक्सी में अच्छा तो आ गई है अपनी कार बैठते हैं चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आ जाओ चंदन भैया तो बैठते हैं अब